हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरामैथ्स क्लासेस। बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आज हम करेंगे इसमें नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स के रैंक फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट हम माइनर से कर चुके हैं, सेकेंड रो और कॉलम एकेलन मैट्रिक्स से रैंक फाइंड आउट कर चुके हैं। अब थर्ड फॉर्म आई है आपके पास, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका सेकेंड नेम है कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं इसको। चलिए देखिए क्या होता है नॉर्मल फॉर्म। ए मैट्रिक्स, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लीजिए, ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n कैन बी रिड्यूस बाय एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। इनटू एन इक्विवेलेंट मैट्रिक्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? IR 0 0 0। अभी बताते हैं क्या ये IR 0, या फिर इस फॉर्म में आ जाए IR 0, कॉमा नहीं लगा ना, ठीक है, या फिर फोर्थ फॉर्म है आपके पास, ओनली IR आ जाए। अब देखिए होता क्या है, इसमें हमारे पास एक नॉन जीरो मैट्रिक्स गिवन होगी, m क्रॉस n ऑर्डर के ले लेते हैं, उस पर हम अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या बताया था हमने लास्ट लेक्चर में, हमने किया था इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, जिस भी मैट्रिक्स पे आप रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करते हो और उसके बाद जो रिजल्ट आता है, जो मैट्रिक्स हमारे पास आती है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ प्रीमियस मैट्रिक्स, ठीक है। अगर हम किसी मैट्रिक्स पे रो और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और उसको हमने इस फॉर्म में बना लिया IR 0 0 0, दैट मीन्स इस IR जो है ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर R क्रॉस R, ठीक है, एंड जीरोस ये स्टैंड करता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो क्या है यहाँ पे? जीरो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पे I2 ले लेती हूँ, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ टू ऑर्डर, ठीक है, तो 1 0 0 1, टू ऑर्डर की बन गई हमारे पास 0 0, क्योंकि हमें ये इस टाइप से बनानी है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स हो गया आपके पास 1 0 0 0, दिस इज I2। ये मैट्रिक्स हो जाएगी जीरो मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो, तो जीरो मैट्रिक्स 0 0 एंड I2, ठीक है। तो इस तरह से आपको बनाना है। तो यहाँ पे जो IR दे रखा है ये आपके पास स्टैंड करेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। ये इस फॉर्म में भी आ सकती है 1 0 0 1 0 0, ये फॉर्म बन गई दिस। अगर हम I2 ले लेते हैं यहाँ पे, तो टू ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स और जीरो, ये दो जो हमारे पास जीरो है ये जीरो मैट्रिक्स को शो करेगा, ठीक है। IR 0 अगर यहाँ पे आपके पास गिवन है तो ये जीरोस इधर आ जाएंगी 0 0। I2 यानी अगर हम यहाँ पे I2 लेते हैं, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, और IR मीन्स अकेला भी आपके पास मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ सकती है 1 0 0 1, ठीक है। तो ये होती है नॉर्मल फॉर्म। और कैसे निकालते हैं? किसी भी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करके उसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, रो और कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशंस।
नेक्स्ट आपके पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, लास्ट लेक्चर्स में हमने किए थे एलिमेंट्री ऑपरेशंस। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स आई एन ले लेते हैं एन ऑर्डर की बाय अप्लाइंग अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स, या फिर इसको आप क्या बोल सकते हो, सेकेंड नेम इसका है ई मैट्रिक्स। ठीक है, क्या कहा हमने कि किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर हम सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने ले लिया आइडेंटिटी I3 ऑर्डर की 100 010 001। ठीक है, हमें बनानी एलिमेंट्री मैट्रिक्स, तो इस पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया R3 3R1। R3 में अप्लाई कर रहे तो R3 + 2R1 हमने ऑपरेशन अप्लाई किया। हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दिया, देन हमारे पास क्या मैट्रिक्स आएगी 100 010। ये तो एज इट इज़ रहेंगे, चेंज हमारा R3 में आ रहा है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 0, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एंड 1 एज इट इज़, ये आ रहा है हमारे पास। तो हमने क्या किया, इस पे एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन लगाई है, ओनली एक ऑपरेशन लगाया है और ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास, तो इसको बोलेंगे ई मैट्रिक्स या फिर एलिमेंट्री मैट्रिक्स। समझ गए, तो इस सिर्फ सिंगल ऑपरेशन, चाहे कॉलम ऑपरेशन हो चाहे रो ऑपरेशन हो, सिर्फ एक अगर इसे मेंशन भी किया गया है बाय अप्लाइंग ए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर हम सिंगल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, रो या कॉलम ऑपरेशन, जो रिजल्ट आता है वो हमारी ई मैट्रिक्स होती है। हमने 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन किए थे, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस कौन कौन से थे भाई, ऑपरेशंस RIJ CIJ, ये हमने रो पे अप्लाई किया था, हमने कॉलम पे अप्लाई किया था RI into K एंड CI into K, RIJ into K, दिस इज CIJ into K। ये हमें 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे, इनका क्या मीनिंग था, दिस मीन्स बाय RI इंटरचेंज कर देंगे RJ रो से। ठीक है, दिस मीन्स बाय RIth रो को K से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इसका मतलब क्या था, RI में चेंज होगा RI + K into RJ, दैट मीन्स jth रो को K से मल्टीप्लाई करके ith रो में ऐड कर देंगे। ठीक है, सेम टू सेम हमने ये इसका मीनिंग है CI इंटरचेंज बाय CJ, कॉलम ऑपरेशन हो जाएंगे 3। ठीक है, CI K into CI, दैट मीन्स CI CI + K into CJ। 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं, इन ऑपरेशंस को अप्लाई करके हम बनाएंगे 6 एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो 6 एलिमेंट्री मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, फर्स्ट इज RIJ। देखिए ई हम अभी हमने पढ़ा था एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम ई मैट्रिक्स ये लिखेंगे, इसका मतलब एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे निकाली है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे सिंगल ऑपरेशन अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, रो ई आई जे, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे हमने आईथ और जीएथ रो को इंटरचेंज कर दिया। ओके, सेकेंड इज RE, ये फर्स्ट ऑपरेशन से बना लिया हमने, सेकेंड हमारे पास है IK, दैट मीन्स
आईथ एंटी मैट्रिक्स में आईथ रो को कैसे मल्टीप्लाई किया हमने, ठीक है। थर्ड एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या आएगी, आर ई आई जे के, मीन्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स में आईथ रो में ऐड किया हमने जेथ को कैसे मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये रो ऑपरेशन है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। रो आर से डिनोट हो रहा है कि हमारे पास रो ऑपरेशन चल रहे हैं, ओके। फोर्थ क्या बन जाएगा, कॉलम ऑपरेशन से बना लेंगे, सी ई आई जे, मीन्स कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया हमने। फिफ्थ इज सी ई आई के, मीन्स आईथ कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करना है। सिक्स्थ आ जाएगा ई आई जे के, एंटी मैट्रिक्स में जेथ रो जेथ कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और आईथ कॉलम में ऐड कर देंगे, ठीक है। देखिए एग्जांपल से बताते हैं, एंटी मैट्रिक्स ले रहे हैं हम, 1 0 अप टू 0 0 0। फर्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी बनाते हैं, फर्स्ट लीडिंग एलिमेंट हमारा 1 होता है, ठीक है। जैसे हम 2 x 2 की लेते हैं तो 1 0 0 1, ठीक है। तो स्टार्टिंग 1 हो गया, ये हम आईथ कॉलम ले लेते हैं, ये हमारा जेथ कॉलम हो जाएगा, ठीक है। ये कॉलम होते हैं हमारे पास, दीज आर रोज, 0 1 अप टू 0 0 0 0 0 1 0 0 यहाँ पे हम डॉट डॉट लगा देते हैं, ये हमारा आयथ कॉलम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी रो। और जेथ रो हम यहाँ पे ले लेते हैं, अप टू सॉन चलता रहेगा, दिस इज 0 0 0 ये डॉट्स हैं, 1 अप टू सॉन 0, फिर चलता रहेगा हमारे पास अप टू सॉन, ये 1 है, 0 0 0 0 चल रहा है इधर डॉट डॉट, ठीक है। एंड लास्ट में क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। जो भी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेते हैं तो हमारे पास दिस नंबर इज़ 1 1 आ रहा है, एंड दिस इज़ 1, लीडिंग एलिमेंट 1 होता है, फिर एक एक प्लेस पे खिसकता रहेगा। तो जैसे ही हम यहाँ पे आईएस कॉलम ले रहे हैं, अब हमें फर्स्ट जैसे एलिमेंट्री अगर मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है तो ई आई जे यानी कि हमें रो को चेंज कर देना है, दिस रो को जे एथ रो से चेंज कर देना है, ठीक है। तो ये रो हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ये रो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो वो जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास जैसे फर्स्ट एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाएगी, समझ गए। सेकेंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऐसे निकाल सकते हैं आईथ रो को, ये हमारे पास आईथ रो है, इसको हम कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे के आ जाएगा आपके पास, दिस इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स। और कैसे निकाली हमने, आर ई आई के। तो इस तरह से आप 6 एलिमेंट्री मैट्रिक्स बना सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑल एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर, हमारे पास कितनी एलिमेंट्री मैट्रिसेस निकाली हमने, देर आर 6 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस, कौन कौन सी बनाइए, आर ई आई जे, आर ई आई इंटू के, एंड आर ई आई जे इंटू के। नेक्स्ट कॉलम पे अप्लाई किया था, कॉलम पे सी आई जे, मीन्स आई जे को इंटरचेंज किया कॉलम को, सी ई ऑफ ई से एलिमेंट्री मैट्रिक्स डिनोट करते हैं, आई इंटू के आईथ कॉलम को कैसे मल्टीप्लाई करना है, और सिक्स्थ इज ई आई जे के, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो ये 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं ये नॉन सिंगुलर आएंगे, ठीक है। नॉन सिंगुलर मतलब अगर मैं डिटर्मिनेंट फर्स्ट मैं उठा लेती हूँ आर ऑफ ई आई जे, अगर डिटर्मिनेंट लेते हैं आर ई आई जे, तो कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर कब होती है, जब उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। आर ऑफ ई आई जे दैट मीन्स हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आईथ और जेथ रो को इंटरचेंज किया है, ठीक है। आर अप्लाई कर रहे हैं तो रो को चेंज कर रहे हैं, अगर हम सी अप्लाई करेंगे तो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे,
ओके, तो आईएथ और जीएथ अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट में वैल्यू आ जाती है नेगेटिव। ये आपने पढ़ भी रखा होगा, अगर हम डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो को इंटरचेंज करते हैं तो हम नेगेटिव अप्लाई करते हैं, नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं जब हम रो चेंज करते हैं, ठीक है। तो रहेगी तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, जो डिटर्मिनेंट में रहेगी आपके पास वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहेगी, क्योंकि हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही ऑपरेशन अप्लाई किया है, आई और जेथ रो को चेंज कर दिया, चेंज करेंगे तो माइनस आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ आई मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, देन अगर हम इसका डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं 1 आता है, ओके दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमने इसका डिटर्मिनेंट लिया नॉट इक्वल टू 0 आ गया, दैट मीन्स आर ई आई जे इज नॉन सिंगुलर एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है। सेम टू सेम आप इसको शो करोगे आर ई आई इंटू के, इसका मीनिंग क्या बना, आर ई यानी कि आईएथ जो आपके पास रो है, आईएथ रो है उसको हमने क्या किया, के से मल्टीप्लाई किया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आईएथ रो को के से मल्टीप्लाई किया, समझ गए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स तभी आती है जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन लगाते हैं सिंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इस पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं और हम इसका निकाल रहे हैं डिटर्मिनेंट ई आई इंटू के, किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर हम एक रो को मल्टीप्लाई कर देते हैं के नंबर से, मान लिया हमारे पास ये 1 0 0 0 आइडेंटिटी ले रहे हैं मैट्रिक्स, तो यहाँ स्टार्टिंग में 1 बाकी सारे नंबर 0 मिलेंगे और हमें मल्टीप्लाई करना है के से, तो के हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। और के हम कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो के इसको हमने अप्लाई किया, के हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर दोबारा से के कॉमन लेंगे तो यहाँ पे फिर से 1 आ जाएगा, बाकी सारी हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स चली रही है, ओके 0 1 0 0 ये फॉर एग्जांपल बता रहे हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑल्सो डिटर्मिनेंट इज 1 के विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सेम टू सेम आप ये कर सकते हो, आर ऑफ ई आई जे क्या स्टैंड करता है, आर ई आई जे इन टू के, दैट मीन्स हमने क्या किया, आर आईएथ आईएथ रो में आर आई प्लस के आर जे, जीएथ रो को के से मल्टीप्लाई किया, आर आई में ऐड किया, ओके तो हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो ये भी हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ इक्वल टू आई आ जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। सेम टू सेम हम जैसे हमने रो के लिए शो किया है, आप कॉलम के लिए भी शो करते हो, तो ऑल 6 एलिमेंट्री मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय प्री मल्टीप्लीकेशन या फिर पोस्ट मल्टीप्लीकेशन विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स। मीनिंग क्या है, कोई भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, या आप रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या फिर कॉलम ऑपरेशन, ठीक है, मैट्रिक्स पे, तो उसको हम दोबारा से निकाल सकते हैं, कैसे, अगर किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अगर आप, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, अगर इस पे आप सेम ऑपरेशन अप्लाई करते हो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स, तो हमारे पास दोबारा से वही मैट्रिक्स आ जाएगी। एग्जांपल से देखिए आप, फिर इसका प्रूफ करवाते हैं। ए हमने ये मैट्रिक्स उठा ली है, ठीक है, इस पे मैंने ऑपरेशन अप्लाई किया R1 R1 प्लस 2 R3, ठीक है, R1 में हमारे पास चेंज होगा, इसके जो इक्विवेलेंट, ये ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, इसके इक्विवेलेंट जो मैट्रिक्स आएगी वो हम बी ले लेते हैं, समझ गए। इस मैट्रिक्स पे हमने ऑपरेशन अप्लाई किया, जो नई मैट्रिक्स हमारे पास आएगी उसको हमने बी अज्यूम कर लिया, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या कह रहा है कि थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई करो और रो फर्स्ट में ऐड कर दीजिए, तो चेंज हमारा फर्स्ट में आएगा, तो 4 2 8 + 2 10, 7 2 14 + 5 19 एंड 10 और 3 13, बाकी सारा आपके पास एज इट इज़ रहेगा, ठीक है,
4, 7, 5. हमने एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा दिया यहाँ पे, क्या कहा था, एवरी एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, यानी हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब हम देखते हैं दोबारा से ये मैट्रिक्स हमारे पास कैसे आ सकती है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटी मैट्रिक्स लो, आइडेंटी मैट्रिक्स क्यों लेनी है, क्योंकि हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनानी है और एलिमेंट्री मैट्रिक्स आइडेंटी मैट्रिक्स पे ऑपरेशन अप्लाई करके ही बनती है। ओके, तो ये हमारे कितने ऑर्डर की है, 3x3 की, तो हम i3 लेते हैं, i3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, जो ऑपरेशन हमने ए पे अप्लाई किया था एलिमेंट्री ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन हमें इस पे अप्लाई करना है, ठीक है। अप्लाई करते हैं r1 प्लस 2 r3, अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, मैट्रिक्स एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाएगी, क्योंकि आइडेंटिटी पे हमने सिंगल ऑपरेशन अप्लाई किया है, तो ये इसको लिखेंगे ई एलिमेंट्री मैट्रिक्स। करिए यहाँ पे r3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे तो जीरो है तो ये नंबर रहेगा 1 0, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें हम ऐड कर देंगे, 2 हो गया, बाकी सारा हमारा एज इट इज रहेगा 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब हमने ये कहा है कि जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स आपके पास आ गई है विद द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्री मैट्रिक्स, उसको क्या करना है, प्री मल्टीप्लाई या पोस्ट मल्टीप्लाई कीजिए विद दिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स हम स्टार्टिंग में लेके चले। देन ये हमारे पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ गई है, अब हमें करना है इस एलिमेंट्री रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स, क्योंकि हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, इसको हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई विद दिस प्री मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो प्री मल्टीप्लाई और कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ से निकालना है, रो ऑपरेशन अप्लाई किया हमने तो हम करेंगे प्री मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स ए, देन हम निकालेंगे यहाँ से ई इंटू ए, ई की वैल्यू रखते हैं, ई इज अ मैट्रिक्स 1 0 2 0 1 0 0 0 1, मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स हम यहाँ से लेते हैं 2 5 3 3 9 2 4 7 5, इसकी मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 2 और 2 4 8 और 2 10, ये आ गया मेरे पास 10। सेकंड इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, तो 5 प्लस 14 19, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम दिस इज 13, ठीक है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ से आपके पास देखो ये 0 हो जाएगा, ये 3 एंड दिस, तो 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम इज अ 9 एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम इज अ 2, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 4, थर्ड रो सेकेंड कॉलम इज अ 7 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम इज अ 5, 0 0 के साथ तो 0 हो जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई है ये मैट्रिक्स देखो वापस हमारे पास बी मैट्रिक्स आ रही है, दिस इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि एवरी एलिमेंट्री रो या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, एक मैट्रिक्स लिया हमने उस पर हमने रो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, तो ये मैट्रिक्स हम दोबारा कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटी मैट्रिक्स लेंगे, दैट मीन्स अगर ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो 3 ऑर्डर की लेंगे, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स अगर हम ले रहे हैं तो 2 ऑर्डर की आइडेंटी मैट्रिक्स लेंगे। ओके, अगर ये 3 ऑर्डर की है तो 3x3 ऑर्डर की हमने आइडेंटी मैट्रिक्स ली और वही सेम ऑपरेशन हमने अप्लाई किया, हमने फाइंड आउट किया एलिमेंट्री मैट्रिक्स अकॉर्डिंग टू सेम रो ऑपरेशन, ठीक है। तो इस पे यहाँ से हमारे पास आइडेंटी मैट्रिक्स ई मैट्रिक्स आ गई, यानी कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो अगर हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो हम ए के साथ करेंगे प्री मल्टीप्लाई, ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आप ए पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो और एलिमेंट्री एलिमेंट आपने फाइंड आउट कर ली सेम ऑपरेशन से तो आप ए के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैं ई और ए की यानी ए ई मैट्रिक्स एलिमेंट मैट्रिक्स की ए के साथ प्री मल्टीप्लाई करती हूँ प्री मल्टीप्लाई, तो वही मैट्रिक्स हम दोबारा निकाल सकते हैं, समझ गए। तो ये दे रखा था आपके पास, इसमें अगर सेम टू सेम आप यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगी, आइडेंटी मैट्रिक्स पे कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ से जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना दोबारा तो आप पोस्ट मल्टीप्लाई लेके चलोगे,
ए इंटू ए फाइंड आउट करोगे, देन वो किसके इक्वल आएगी, बी के इक्वल आएगी. ठीक है, कब, व्हेन वी अप्लाई कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन. ठीक है, ए हमने कोई एलिमेंट्री मैट्रिक्स उठाई एम क्रॉस एन ऑर्डर की. ठीक है, तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स. अब ये चीज़ ध्यान देने की इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए. अब देखिए ए हमारे पास क्या है, एम क्रॉस एन ऑर्डर की, एम क्रॉस एन. तो हमने अब इसको मल्टीप्लाई किया आइडेंटिटी एम क्रॉस एम से इंटू एम क्रॉस एन मैट्रिक्स. ऑर्डर कब मेंटेन, कब हमें चाहिए होता है ऑर्डर, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो मल्टीप्लाई होती है कब होल्ड करेगी, आई मैट्रिक्स आपके पास एम क्रॉस एम की और ए मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तो इसका आपके पास कॉलम और ए मैट्रिक्स के रो अगर इक्वल है तभी आपके पास मल्टीप्लाई एग्जिस्ट करती है. ठीक है, इसलिए हमारे पास जो ये इसके रो थे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमने एम क्रॉस एम की मैट्रिक्स ली है. ठीक है, लेट अल्फा डिनोट द रो एलिमेंट्री ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन. अल्फा जो है वो रो एलिमेंट्री ऑपरेशन को डिनोट करता है, यानी कि हम रो ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं ए पे. ठीक है, तो अल्फा इनटू ए, ए के साथ अगर हमने रो ऑपरेशन लिया है इसको, तो हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे. ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कॉलम ऑपरेशन ले रहे हो तो कॉलम. ठीक है, तो ए की वैल्यू रख देंगे, यहाँ से ए की वैल्यू हमने लिए आई इंटू एम ऑर्डर की इंटू ए. ठीक है, और इस पे हमने अल्फा अप्लाई किया है, अल्फा इंटू दिस, यानी हमने क्या किया, ए की वैल्यू रख दी आई आइडेंटिटी इंटू ए. तो अल्फा क्या है, रो ऑपरेशन, रो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स. ठीक है, आइडेंटिटी पे अगर हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सिंगल ऑपरेशन है, आइडेंटिटी पे अप्लाई किया हमारा बन गया एलिमेंट्री मैट्रिक्स. तो अल्फा इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू ए, दिस इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स. ठीक है, सेम टू सेम हम लेके चलेंगे अल्फा को, इफ अल्फा डिनोट्स द कॉलम ऑपरेशन, अगर ये कॉलम ऑपरेशन ले रहे हैं हम, कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन, एंड ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को मैंने लिखा ए इंटू आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने पोस्ट मल्टीप्लाई करवाया और मैंने ली एन ऑर्डर की. एन ऑर्डर की क्यों ली, ए मैट्रिक्स हमारी है एम क्रॉस एन की, तो ये हमें एन ऑर्डर की लेनी पड़ेगी ताकि इसकी जो प्रोडक्ट का रूल है सेटिस्फाई कर जाए. ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस. ओके, तो हमने ले लिया ए को ए इंटू आई एन. अल्फा हमने कॉलम ऑपरेशन लिया है, ए पे अप्लाई करते हैं, ए पे अप्लाई करेंगे अल्फा इंटू ए इंटू आई एन, ए की वैल्यू रख देते हैं अल्फा इंटू आई एन जो हम लेके चले, क्योंकि आई एन टी से मल्टीप्लाई करेंगे ए को तो वापस ए मैट्रिक्स ही आ जानी है. ठीक है, अल्फा ए इंटू अल्फा आई एन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे रो कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जो के लिए हम ई वन मान लेते हैं, वेयर ई वन इज द एलिमेंट्री मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए से प्री मल्टीप्लाई किया, जब हमने रो ऑपरेशन अप्लाई किया तो ए से प्री मल्टीप्लाई आ रहा है. ठीक है, और हमने जब कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया तो ए इंटू ई वन यानी कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, इसका यूज़ क्वेश्चंस में होगा. तो आज इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 भी कवर करवाएंगे और इसको भी कंटिन्यू करेंगे. एंड तब तक के लिए आप ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई